हेलो दोस्तों, मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ जिस जिसका भी सीएचओ में सिलेक्शन हुआ है। सीएचओ का रिजल्ट जो कल आ चुका था, बहुत ही यहाँ पर अच्छा परिणाम रहा। कट ऑफ भी यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर रही है, 46% ओबीसी के लिए रही है और 50-51% के आसपास में जनरल की कट ऑफ है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसमें 10 नंबर या 12 नंबर और जोड़ लीजिएगा और मतलब 2% और बढ़ा लीजिएगा, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना किसी डिले, बिना किसी इंतज़ार के रुकना, थकना, झुकना बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल के साथ में अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज ही जुड़ जाइएगा मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस के साथ में। NHM का एग्ज़ाम हो, चाहे GNM का, चाहे CHO का, चाहे RRB का, क्योंकि RRB की वैकेंसी भी सर पर है। CHO का वैकेंसी जो हो चुका है, अभी होते से ही वैकेंसी निकलने वाली है। रिक्रूटमेंट राजस्थान का और निकलने वाला है। NHM GNM की तो पड़ी हुई है आगे वैकेंसी। ठीक है, मतलब 1500 पद तो अपने एडवांस में पड़े हुए, वो तो आने वाली ही हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बढ़ सकते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो 241 नंबर की जो क्लास है अपनी #241, उसको मैं स्पेशल MCQ सीरीज में यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। सब्सक्राइब करें चैनल को, जल्दी से जल्दी घंटी का बेल आइकन दबा दें और लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो बिना किसी डिले के कल का लास्ट MCQ था अपना, उसको मैं यहाँ पे कैरी ऑन करता हूँ। मैंने कल आपको एक ही चीज़ बताई थी, आप सभी को पता भी होगा आई होप कि मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ पे नोट को एक्सेप्ट से आपको क्या करना है, काटना है। ठीक है, नोट को एक्सेप्ट से काटना था। ठीक है, आपको और कुछ भी नहीं करना था, इस MCQ का आंसर वही होगा। ठीक है, नोट को एक्सेप्ट से मैंने यहाँ पे काट दिया। अब पढ़ो इस MCQ को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर प्रीमेच्योर बेबी। तो IV डेक्सामेथासोन अपन देंगे, लेकिन यहाँ पर बेबी को ना देंगे, बेबी को नहीं दे सकते हैं। IV डेक्सामेथासोन बेबी को नहीं दे सकते, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रख लेना। बेबी को IV नहीं देना है, ये जाएगा मदर में। किस में जाएगा? मदर में। ठीक है, मदर को देंगे डेक्सामेथासोन, ध्यान रखना। ठीक है, और वो भी आपके लंग्स मैचुरेशन के लिए देंगे, लेकिन ये तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर है टू गिव सर्फेक्टेंट टू बेबी, सर्फेक्टेंट दे सकते हैं बेबी को, बिल्कुल अच्छी बात है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। टू गिव डेक्सट्रोज, यानी आप डेक्सट्रोज दोगे IV इन्फ्यूजन के रूप में, प्रिवेंशन करने के लिए। किसका? हाइपोग्लाइसीमिया का, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, इसको भी मैं राइट ठहराता हूँ। फिर है टू चेक क्राई एफर्ट, क्राई के एफर्ट को चेक करना। ठीक है, और एक्टिविटी रेस्पॉन्स को चेक करना, टेम्परेचर को चेक करना, ये भी अपना अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर एक आता है अपगार स्कोर। क्या आता है? अपगार, यहाँ पे स्कोर, अपगार स्कोर। ठीक है, और विद होल्ड कोलेस्ट्रम, ये नहीं करेंगे वापस, कोलेस्ट्रम को होल्ड नहीं करेंगे, कोलेस्ट्रम तो पिलाएंगे बच्चे को, क्योंकि कोलेस्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोलते हैं कोलेस्ट्रम को। क्या बोल सकते हैं अपन? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोलते हैं बेबी के लिए। ठीक है, फर्स्ट थ्री टू फोर डे मिल्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? मिल्क कोलेस्ट्रम है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे कोलेस्ट्रम अपन को देनी है और पिलाना है 3-4 दिनों तक। उसके बाद में ट्रांजिशनल मिल्क आएगा, फिर आएगा फॉर मिल्क, हिंड मिल्क, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कौन सा नहीं है एक्सेप्ट में पूछा था, तो एक तो ये वाला एक नंबर का आंसर चला जाएगा आपके, और एक जाएगा 5 नंबर का आंसर, तो 1 और 5 ओनली। ठीक है, ये वाला जो आंसर है बिल्कुल यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ आप सभी के सामने। नेक्स्ट MCQ क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये पूछा है कि K+ इज नॉर्मल। K+ की नॉर्मल रेंज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है? 3.5 से लेकर 5.3 मिलियोस्मोल पर लीटर। तो देखो, K+ को अपन बोलते हैं पोटेशियम, और पोटेशियम की नॉर्मल रेंज यही होती है 3.5 से लेकर 5.1
और ये इसके आसपास ही है, और उसको अपन लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में भी लिख सकते हैं और मिली ओस्मोल में भी लिख सकते हो। सोडियम की जो नॉर्मल जो वैल्यू है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू ये क्या है, 135 से 145 मिली ओस्मोल पर एमएल, ये भी सही है, इसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं। क्लोराइड की जो वैल्यू है, क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू वो 97 से लेकर 107 यानी 97 से लेकर 107 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg तो प्रेशर होता है, ये नॉर्मल वैल्यू जो होगी वो mg पर dl में होगी, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, pH जो है नॉर्मल यही है 7.4 से 7.5, तो ये है क्या बताओ आप जल्दी से राइट आंसर करके। और फिर लिखा है टोटल NS जो होती है वो 308 मिलीओस्मोल पर लीटर होती है 0.9% में बिल्कुल होती है। ठीक है, अब ये pH का जो है, pH का फंडा थोड़ा मैं बता देता हूँ। pH जो होती है नॉर्मल pH है वो 7.34 से लेके 7.45 होती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, मतलब ये एल्कलोसिस है, तो ये तो नहीं होगा। तो 4 नंबर का बाहर, 3 नंबर का बाहर, बाकी सारे अंदर। ठीक है, तो 1 नंबर का सही है, 2 नंबर का भी सही है पैरामीटर, और 5 नंबर का भी सही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, ये जो MCQ है, MCQ की जो लाइनें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ आप सभी के सामने, सेट द करेक्ट सीक्वेंस, सेट द सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव अकॉर्डिंग प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है नर्सिंग डायग्नोसिस को। नर्सिंग डायग्नोसिस को सेट करना है तो कैसे करोगे आप, जल्दी से राइट आंसर मुझे दे के बताओ। तो यहाँ पे है, पहला यहाँ पे ऑप्शन लिखा है इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एंड एनेस्थेटिक एजेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आता है ये। ठीक है, फिर लिखा है इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एंड मेडिकेशन, फिर लिखा है रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, और फिर लिखा है रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया रिलेटेड टू लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूड ड्यूरिंग सर्जरी एंड इनएडिक्वेट इंटेक आफ्टर सर्जरी और एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी। अब बताओ इसकी सिक्वेंस क्या रहेगी, कौन सा असेसमेंट या कौन सा डायग्नोसिस अपन पहले करेंगे, इंटरवेंशन पहले करेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। तो देखो ए नंबर ही आ रहा है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे तो यही आता है कि एयरवे अपन को क्लियर करना है पेशेंट का, एस्पिरेशन को, ठीक है, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करना है। और एयरवे क्लियर करने के लिए दो मेथड है अपने पास में, कौन कौन से मेथड है प्यारे दोस्तों, मेथड दो है और दोनों ही मेथड है। पहला जो मेथड है प्यारे दोस्तों हेड टिल्ड चिन लिफ्ट मेथड हेड टिल्ड चिन लिफ्ट मेथड एक पहला मेथड है। दूसरा है जो थ्रस्ट मैन्यूअर मेथड, ठीक है, और ये आता है आपके यहाँ पे स्पाइनल सर्जरी के अंदर यूज, स्पाइनल सर्जरी में अपन यूज कर सकते हैं, स्पाइनल इंजरी या स्पाइनल सर्जरी जो भी हुई है उसके अंदर जो थ्रस्ट का मतलब होता है ट्रैक्शन देना, ठीक है, ट्रैक्शन देके खींचना और एयरवे को क्लियर करना। हेड टिल्ड चिन लिफ्ट में क्या होता है, हेड को टिल्ड करना और चिन को लिफ्ट करना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है MCQ ने क्या पूछा था कि यहाँ पे सिक्वेंस सेट करनी थी, तो सिक्वेंस सेट कैसे करोगे आप, तो पहला तो यहाँ पे ए नंबर ही हो जाएगा क्योंकि एनेस्थीसिया दे रहे हो आप, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, एयरवे क्लियर कर रहे हो, ठीक है, तो ये ए नंबर तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हो गया। बी का मतलब इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, फिर ब्रीथिंग देखोगे, बिल्कुल देखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ इंजरी का यहाँ पे असेसमेंट करेंगे और रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, फिर सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम कम होना, ठीक है, तो रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया रिलेटेड टू लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूड ड्यूरिंग सर्जरी, ये बिल्कुल, ये 4 नंबर पे डी आएगा और 5 नंबर पे यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सेट की हुई लिखी है आपके सामने, सिर्फ यहाँ पे MCQ लाके खड़ा कर दिया, बस ये MCQ का आंसर यही है ABCDE, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट MCQ, ऐसा MCQ आ सकता है कि स्क्रीनशॉट जरूर ले ले और इसका यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सेट करके लिख ले, ये सीक्वेंस होती है जब भी इमरजेंसी पेशेंट आता है अपने पास में। तो नेक्स्ट है MCQ आप सभी के सामने, यहाँ पे धड़ाधड़ MCQ आ रहे हैं और पैटर्न वही है, नया वाला पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न वही है CHO या वो वाला पैटर्न ही है आपके NHM वाला पैटर्न, ठीक है, उसी लेवल के MCQ है सारे के सारे। प्रायोरिटी द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, डाटा कलेक्शन का मेथड बताना है, प्रायोरिटी सेट करके बताना है।
तो पहला यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्व द पेशेंट बाय यूजिंग द सेंसेस लाइक साइट, स्लेनेल चार्ट, हियरिंग एंड टच। फिर लिखा है इंटरव्यू द पेशेंट टू ऑब्टेन डाटा बाय आस्किंग रिलीवेंट क्वेश्चंस। फिर लिखा है एग्जामिन द पेशेंट एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू लेबोरेटरी मेथड। और फिर लिखा है यूज इंस्पेक्शन, पालपेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो कौन सी चीज़ अपन पहले करेंगे, फिर कौन सी चीज़ करेंगे, फिर कौन सी करेंगे, फिर कौन सी करेंगे, फिर कौन सी करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे सिक्वेंस को अपन को सेट करना है। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से राइट आंसर इसका ए बी सी डी ई। तो इस प्रकार से आंसर देना है आपको, यहाँ पे सिक्वेंस सेट करके देना है। कीप इट एम जल्दी से राइट आंसर। कसा हुआ एमसीक्यू है, मैं खुद बोल रहा हूँ, एक बहुत यहाँ पे खतरनाक लेवल का एमसीक्यू है ये। आंकड़ा बिल्कुल नया लग जाना चाहिए कमेंट में। जल्दी से जल्दी इस क्लास को सभी बच्चों तक शेयर जरूर कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप जितना भी है उसमें शेयर जरूर कर दें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा आपके लिए। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पर चलती है दुनिया मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। तो देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, नहीं आ रहा होगा आंसर। इसके अंदर होगा क्या, इस एमसीक्यू में अपन को सबसे पहले अपने पास में पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट आया तो डाटा कलेक्शन करते हैं अपन, उसमें प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, ठीक है, डाटा कलेक्शन में ही प्रायोरिटी सेट करनी है। अब देखो डाटा कलेक्शन में पेशेंट की प्रायोरिटी सेट कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ऑप्शन देखो का हियरिंग सुनोगे, टच करोगे पेशेंट को, फिर आप साइट को देखोगे, सेंसेस लाइक आप सेंस करोगे, फील करोगे, तो ये बाद की बात है। फिर आपके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखोगे कि इंटरव्यू द पेशेंट टू ऑब्टेन डाटा बाई आस्किंग रिलीवेंट क्वेश्चन, आप पेशेंट को डाटा के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में पूछोगे, ठीक है, ये सबसे पहले बात है। आप उसका नाम पूछोगे, फिर उसको यहाँ पे तकलीफ पूछोगे, इस प्रकार से। तो बी जो ऑप्शन आ रहा है वो पहले आ जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन बी, ठीक है। फिर अपने अगर देखेंगे तीसरा ऑप्शन, एग्जामिन द पेशेंट एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिस्टम ऑफ बॉडी थ्रू लेबोरेटरी मेथड। ये लेबोरेटरी मेथड बाद में, डायग्नोसिस सब बाद में। फिर पहले क्या करेंगे, यूज इंस्पेक्शन, पालपेक्शन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी बाद में करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट को टच करेंगे, हियरिंग करेंगे, सुनेंगे, कुछ भी है ना, वो कुछ बोलेगा तो सुनेंगे, उसका जो फीलिंग है, अपना सेंसेशन जो है वो अपन फील करने की कोशिश करेंगे, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है अच्छे से, वो चीज़ें सबसे पहले देखेंगे। फिर यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, ए जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करोगे, पालपेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, फिर आएगा आपका डी नंबर का, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, बी ए, यहाँ पे सी आ रहा है डायरेक्ट, और बी इसमें है ही नहीं, इसमें ही नहीं, ये एक ऑप्शन डायरेक्ट चला गया अपना बी ऑप्शन, और फिर आएगा आपका सी नंबर का, फिर लास्ट में आप रेबिलिटरी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंस कैसे बन गई है, ये डी और ये सी, ये इस प्रकार से बी ए डी सी, ये बी ए डी सी, ठीक है, ये इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पे चला गया बी ऑप्शन। आई बात समझ में, वापिस समझाऊँ, समझाना कुछ भी नहीं है इस एमसीक्यू में। इस एमसीक्यू का मतलब ये है कि इसने ये पूछा है कि डाटा कलेक्शन कर रहे हो आप, सबसे पहली प्रायोरिटी सेट करनी है कुल मिला के, ठीक है। तो पेशेंट आया है तो पेशेंट सबसे पहले ऑब्टेन डाटा, उससे अपन डाटा लेंगे,
डाटा लेने के बाद में उसको अपन टच करेंगे, साइट को अपन देखेंगे, जो भी करेंगे उसको सुनेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे तो फिर ये हो गया, फिर अपन इंस्पेक्शन करेंगे, पालपेशन करेंगे, प्रकेशन और ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है चार, ये अपन अपनाएंगे और फिर अपन एग्जामिनेशन के लिए अपन लेबोरेटरी में अपन भेजेंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप सभी के सामने, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें एंड गिव द राइट आंसर। फिजिकल एग्जामिनेशन इज बीइंग परफॉर्म ए नर्स ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, नर्स शुड परफॉर्म फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्स शुड एग्जामिनेशन टेक्निक इन विच सिक्वेंस, कौन से सिक्वेंस में आप ये फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय ए नर्स ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, नर्स शुड परफॉर्म द फोर फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक इन विच सिक्वेंस। तो यहाँ पे सिक्वेंस पूछी है फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, उस प्रकार से अपन को सेट करना है, ठीक है, कर लोगे सेट। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी पूछे अपन को, उसके अंदर वापिस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पूछे अगर अपन को, ठीक है, यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस किया है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो स्टेप होती है वो अपने पास में आती है, पहला आता है इंस्पेक्शन, क्या आता है पहला इंस्पेक्शन, फिर क्या आता है आपका ऑस्कल्टेशन, फिर क्या आता है परकशन, एंड फिर आता है पालपेशन, ठीक है। अब ये सिक्वेंस आपको कहाँ मिल रही है वो पता लगा लो, ठीक है, यही ऑस्कल्टेशन और कुछ नहीं होगा, ये वापस पीछे चला जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन सिंपल वाला बन जाएगा, या आप पल्मोनरी एग्जामिनेशन बोल सकते हो जिसे। अगर मैं पल्मोनरी की बात करूँ, ठीक है, तो उसके अंदर यह इस प्रकार से आएगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद में परकशन, ये परकशन, फिर है पालपेशन और फिर ऑस्कल्टेशन, ये इस प्रकार से ये सिक्वेंस बन जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, ऑस्कल्टेशन को ला के सेकेंड नंबर पर फिट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, और वो क्या बन गई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन लिखा है ऑस्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन एंड देन परकशन एंड पालपेशन, फिर लिखा है परकशन फॉलोड बाय इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन एंड पालपेशन, फिर लिखा है पालपेशन ऑफ टेंडर एरिया फर्स्ट एंड देन, टेंडर एरिया का मतलब जहाँ पर दर्द है वहाँ पर पालपेट फर्स्ट करोगे, तो ये तो सरासर गलत हो गया, ठीक है। इंस्पेक्शन परकशन ये तो वैसे ही गलत है, इंस्पेक्शन पहले करोगे फिर पालपेशन फिर परकशन और ऑस्कल्टेशन लास्ट में, तो ये पालपेशन अल्कट्रेन या लास्ट में, ये नहीं होगा, ये फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी नहीं होगा, इंस्पेक्शन के बाद में अपन ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, परकशन कर रहे हैं और फिर ऑस्कल्टेशन फिर पालपेशन, ये भी नहीं होगा सिक्वेंस। तो इंस्पेक्शन है, इसके बाद में अपन ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, फिर परकशन और फिर पालपेशन, तो इस लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा टाइम देंगे तो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी लाइन। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, और ये एग्ज़ाम का एमसीक्यू है, आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप सभी के सामने, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट किस में से बताना है आपको, न्यू बॉर्न हैव रैपिड पल्स रेट, न्यू बॉर्न के अंदर रैपिड पल्स रेट होती है, मैन हैव हायर पल्स देन वुमन, यानी मैन के अंदर हायर पल्स होती है वुमेन की तुलना में, और एक्सरसाइज इंक्रीज इन पल्स रेट, पल्स रेट के साथ में एक्सरसाइज जब भी करते हैं तब अपनी पल्स रेट बढ़ जाती है, और इंजेशन ऑफ मील कॉज स्लाइट डिक्रीज इन पल्स रेट, और जब भी अपन कुछ भी यहाँ पे खाते हैं तब यहाँ पे पल्स रेट कम होती है। तो एक बात तो सही है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट जो होता है उसके अंदर यही होता है कि जब भी अदर सिस्टम जो है, मान लो पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट है, तो यहाँ पे जीआई सिस्टम का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जीआई सिस्टम का यहाँ पे बढ़ जाता है, तो जीआई सिस्टम जब भी यहाँ पे काम करेगा तब यहाँ पे पल्स रेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पल्स रेट यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज इन पल्स रेट, ये नहीं होगा, ये वाला जो पैरामीटर है ये थोड़ा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये डिक्रीज़ होगा पल्स रेट, बाकी यहाँ पे इंक्रीज लिखा है ये इनकरेक्ट है। बाकी पहला जो ऑप्शन है रैपिड पल्स रेट न्यूबॉर्न में मिलती है, मिलती है, मैन यानी आदमी के अंदर यहाँ पे हाई होती है पल्स वुमेन की तुलना में, ये भी होती है, और एक्सरसाइज इंक्रीज होती है, एक्सरसाइज में पल्स रेट यहाँ पे बढ़ जाती है, तो ये भी बात करेक्ट है। तो ये तीनों ही बातें यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, एक बात यहाँ पे इनकरेक्ट है वो डी वाला,
तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टेक्निक व्हाइल चेकिंग ब्लड प्रेशर ऑफ ए पेशेंट, यानी ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हो उस समय करेक्ट टेक्निक कौन कौन सी है ये बतानी है आपको। तो ब्लड प्रेशर जब भी मॉनिटर करते हो, बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इन सिटिंग पोजिशन फॉर अबाउट 5 मिनट, यानी 5 मिनट आपको यहाँ पर सिटिंग पोजिशन में बैठाना है और फिर चेक करना है। तो ये पैरामीटर तो करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट तो डी कट गया, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 4 ही लिखा है। अब देखो सेकंड ऑप्शन है, इसको सोल्व करने का तरीका है, द कप मस्ट बी एट द लेवल ऑफ द हर्ट, यानी कप को हर्ट लेवल पर ही रखना है, ये भी करेक्ट है पैरामीटर, ये भी करेक्ट है। फिर लिखा है कि द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग विदाउट एनी फर्म सपोर्ट, यानी आर्म जो होते हैं अपना हाथ जो होता है जिसमें आपने बीपी कप बांधा है उसको ऐसे ही फ्री छोड़ दो, हैंगिंग टांगने जैसा छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। तो जिसके अंदर 3 नंबर आ रहा है उसको काट दो, तो 3 नंबर तो किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर देखो द स्टेथोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड ए कफ, तो ये भी नहीं होगा मतलब, ठीक है, तो द स्टेथोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड एयर अबोव लिटिल कफ, ठीक है, लिटिल अबोव देन कफ, तो कप के नीचे की तरफ स्टेथोस्कोप को रखना है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, ए ऑप्शन भी राइट है आपका, सी भी राइट है, दोनों ही एक सेम है, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, कोई सा भी करो आप राइट, बोनस मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्लान, फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्लान के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो नर्सिंग केयर प्लान इज वन टाइम कॉम्प्रहेंसिव केयर प्लान फॉर द फैमिली। फिर लिखा है नर्सिंग केयर प्लान ब्लू प्रिंट फॉर एक्शन, और नर्सिंग केयर प्लान इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नर्सिंग एक्शन, और नर्सिंग केयर प्लान रिलेटेड टू फ्यूचर। तो नर्सिंग केयर प्लान कभी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने का काम नहीं करती है, तो रिलेटेड नहीं है इससे, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे क्या ढूंढना आपको, जो सही नहीं है, 3-4 तो सही है, ठीक है, एक सही नहीं है, वो कौन सा है, ठीक है, वो ढूंढना है। तो नर्सिंग केयर प्लान इज़ अ वन टाइम कॉम्प्रहेंसिव केयर प्लान फॉर द फैमिली, ये तो बात करेक्ट है। नर्सिंग केयर प्लान इज ब्लू प्रिंट ऑफ एक्शन, बिल्कुल राइट है, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है नर्सिंग एक्शन की, ये भी बात करेक्ट है। तो ये डी जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट ट्रू, तो राइट आंसर डी। इस प्रकार से चला गया अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से आप सभी के सामने है, पढ़ो एमसीक्यू को अच्छे से, लर्न करो एंड गिव द राइट आंसर। किसी ने यहाँ पे क्या खूब कहा है कि नित नोई आपतरा खरीदार बढ़िया बेटा, हाँ कदे कदे लागे धरती पर भार बढ़िया बेटा, हाँ एंड नौकरी तेरे चक्कर में कितो खुद छुट्टियों बैरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बढ़िया बेटा, हाँ। तो ये एक पॉजिटिव अपने लिए थॉट है, मोटिवेशन थॉट है, इसको अपनाना है ज़िंदगी में। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक मेवाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ, वो मतलब आपके मज़े के लिए नहीं है, ये मतलब बहुत यहाँ पे गांठ बांध लेना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक रुकना झुकना थकना बिल्कुल नहीं है। कंसेप्ट लॉजिक एंड रैशनल के साथ में अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो, नर्सिंग क्लासेज, नर्सिंग मेवाड़ नर्सिंग क्लासेज के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेज देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पुट करके, ठीक है, आज की मैं क्लास शॉर्ट ही रखूँगा थोड़ी, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है बीपी इन राइट आर्म सुपाइन पोजिशन 130/80 mm ऑफ HG। फिर लिखा है ओरल टेम्परेचर 390 सेंटीग्रेड, ठीक है, फिर सिस्टर्स नोट, यहाँ पे 390 सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ पे 39 डिग्री लिखा है वो, ठीक है, डिग्री कर देना इसको, यहाँ पे क्या है डिग्री कर देना, ये जो है ना ये 39 इस प्रकार से डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और सिस्टर्स नोट है फाइल पेशेंट हैज़ रेडनेस ओवर द लेफ्ट लेटरल मोलिकुल्स और पेशेंट से आई एम हैविंग नोजिया,
अब यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है और सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पूरा पोर्शन जो था आप सभी के सामने, ये था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, इसलिए आपको थोड़ा टफ लगा होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, राज की बात यह है, CHO एग्ज़ाम हो, चाहे NHM एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे ESIC का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB का एग्ज़ाम हो, चाहे SGPGI, जिपमर, पुडुचेरी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर 100 में से 30 क्वेश्चन के आसपास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर करती है। इसीलिए इसको बड़ा वेटेज दिया गया है। MSN भी इतना कवर नहीं करती जितना ये कवर करती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फंडामेंटल से सारे MCQ, अभी एम्स में जो पेपर हुआ, प्री और मेंस में, दोनों में फंडामेंटल से ही इम्पोर्टेंट रोल निकल के आया और इसी से सिलेक्शन निकले हैं सारे के सारे। और उसमें फंडामेंटल के कम 40 क्वेश्चन थे। कितने, मैं 30 बता रहा हूँ, 30 तो अदर एग्ज़ाम का बता रहा हूँ, यहाँ पे एम्स लेवल का एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन फंडा से आया सीधा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, तो इसको यहाँ पे कवरेज देना बिल्कुल ना भूले, इसको अच्छे से पढ़े, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। कल फिर मिलते हैं 8 बजे के टाइम पर, और कल फिर बातें और अजब गजब होगी सब्जेक्टिव डाटा के ऊपर से। तब तक के लिए शुक्रिया।